तो चलते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फोर्थ नंबर है, जो कह रहा है एप्पल्स आर सोल्ड एट 48/4 बाई पर केजी, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 3/3/4 केजी ऑफ एप्पल्स। देखिए मान लेते हैं क्वेश्चन कर रहा है कि 1 केजी एप्पल्स का दाम इतना रुपया है, तो इतने केजी एप्पल्स का दाम कितना होगा। क्वेश्चन कर रहा है कि मतलब कोई आदमी बंदा है, वर्ज होता है पर केजी एप्पल्स होता है, इतना रुपया में बेच रहा है, तो कह रहा है इतना केजी एप्पल का दाम कितना होगा। सिंपली देखिए यहाँ पर, तो हम क्या करें, फाइंड आउट करें। देखिए सबसे पहले कॉस्ट लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 है, कॉस्ट ऑफ 1 केजी, कॉस्ट ऑफ 1 केजी एप्पल्स, कॉस्ट ऑफ 1 केजी एप्पल, 1 केजी एप्पल का कॉस्ट कितना है, वह है आपका 48/ कितना 4/5 रुपीस, मतलब 1 केजी एप्पल का दाम इतना रुपया है। ठीक है, तो कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ कितना केजी का निकलना है आपको, 3/3/4 केजी एप्पल का दाम। ठीक है, एप्पल्स, ठीक है, एप्पल्स का दाम। तो आप सिंपली जानते हो अगर कोई चीज़ 1 रुपया में 2 टॉफी मिल रहा है, ठीक, 1 रुपया में 2 टॉफी मिल रहा है, तो 2 रुपया में कितना मिलेगा, 4। तो कैसे फाइंड आउट किया, सिंपली मल्टीप्लाई किया ना, तो वहीं पे 1 रुपया में 2, तो 2 रुपये में कितना, 4। तो वहीं 1 केजी एप्पल का दाम इतना रुपया है, तो इतना केजी एप्पल का दाम कितना होगा, सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4/5 × 3/3/4। ठीक है, तो यहाँ देखिए हम क्या करते हैं, 48 से 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब 48 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 240, और 240 प्लस 4 कितना हो गया, 244/5। उसके बाद इससे 4 × 3 = 12 × 15/4। ठीक है, तो 5 से इसे 3 बार में, और इसे 4 से देखिए 6 × 24 और 4 × 4 = 1 आ गया। ठीक है, तो आपका कितना हो गया, तो 61 × 3, तो आपका 3 हो गया, और 6 × 3 = 18, 183 रुपया। मतलब जो था आप लिख सकते हैं यहाँ पे, हैंस द कॉस्ट ऑफ 3/3/4 केजी एप्पल्स इज 183 रुपीज़। कोई दिक्कत नहीं आता,